तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जानोगे दुनिया में खोजे गए अब तक के 5 सबसे बड़े जानवरों के बारे में। जायंट जॉर्ज। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि आखिर ये किस चीज का नाम है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये नाम एक कुत्ते का है जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। और इस कुत्ते के नाम दुनिया का सबसे बड़ा कुत्ता और सबसे लंबा कुत्ता होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो कि आप इस वीडियो क्लिप में देख ही सकते हैं। ये कुत्ता कितना ज्यादा लंबा और कितना ज्यादा बड़ा लगता है। इस कुत्ते के सामने लोग भी छोटे से लगते हैं। इसकी लंबाई 1.1 मीटर की है और इसका वजन करीबन 110 किलो का है। इस कुत्ते के सामने नॉर्मल कुत्ते गली के बच्चे लगते हैं। इस कुत्ते का जन्म 7 नवंबर 2005 को हुआ था। और दोस्तों दुख की बात यह है कि ये कुत्ता अब जिंदा नहीं है। अक्टूबर 17, 2013 में 7 साल की उम्र में इस कुत्ते की मौत हो गई थी। लेकिन दोस्तों आज भी इस कुत्ते के नाम दुनिया का सबसे बड़ा कुत्ता होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड शामिल है। दोस्तों मुझे आपके सपोर्ट की सख्त जरूरत है। ये सपोर्ट देने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिर्फ आपके सब्सक्राइब करने से ही मुझे सपोर्ट मिल जाएगा। क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल जिसे हम हिंदी में मगरमच्छ कहते हैं, और दोस्तों इसके नाम को सुनकर ही अच्छे अच्छे लोग कांपने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों ये काफी खतरनाक और डरावने जानवर होते हैं जो कि ज्यादातर पानी में और जमीन पर भी पाए जाते हैं। ये मगरमच्छ अपने तेज दांत और ताकतवर जबड़ों की वजह से अपने शिकार को बड़ी आसानी से मार देते हैं और फिर अपने शिकार के टुकड़े टुकड़े कर उसे खा जाते हैं। और दोस्तों आज का खोजा गया सबसे बड़ा मगरमच्छ 23 फीट का है, यानी कि ये मगरमच्छ करीबन 7 मीटर का था और इसका वजन करीबन 1000 किलो का था। आप इस फोटो में देख ही सकते हैं कि ये मगरमच्छ कितना बड़ा और लंबा था। ये मगरमच्छ इतना बड़ा था कि इसे एक ट्रॉली पर बांधा गया था। मगर दोस्तों जरा इसे देखिए, ट्रॉली पर बांधने के बाद भी इस मगरमच्छ ने हार नहीं मानी। और दोस्तों आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं कि कैसे इस मगरमच्छ ने फाइट बैक की और चंद सेकंड में सब कुछ तहस नहस कर दिया। इसलिए दोस्तों कोई भी मगरमच्छ से पंगा नहीं लेता है। एनाकोंडा। दोस्तों जब बात आती है एनाकोंडा सांप की, दुनिया में बहुत ऐसे कम ही लोग होंगे जिन्हें एनाकोंडा के बारे में नहीं पता होगा। एनाकोंडा एक ऐसा सांप है जो कि जहरीला बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन इससे कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता, चाहे वो इंसान हो या जानवर। ये एनाकोंडा दुनिया के सबसे बड़े सांपों में गिने जाते हैं। इनका आकार काफी ज्यादा बड़ा होता है और ये अपने शिकार को अलग तरीके से मारते हैं। दूसरे सांप अपने जहर की मदद से अपने शिकार को मार डालते हैं, लेकिन एनाकोंडा अपने शरीर से अपने शिकार को जकड़ लेते हैं और शिकार अपना दम तोड़ देता है। और दोस्तों आपने तो टीवी में एनाकोंडा की मूवी तो देखी होगी, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हो आज तक का पाया गया सबसे बड़ा एनाकोंडा की लंबाई कितनी थी? आखिर उसका वजन कितना था? दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा एनाकोंडा ब्राजील के कंस्ट्रक्शन साइट पर पाया गया था। जब ब्राजील में अटमीरा नाम की गुफा को एक्सप्लोजन करके फोड़ा गया था, तब वहाँ पर दुनिया का ये सबसे बड़ा एनाकोंडा मिला था, जो कि आप इस वीडियो क्लिप में देख ही सकते हैं। इस एनाकोंडा की लंबाई 33 फीट यानी कि ये एनाकोंडा 10 मीटर लंबा था। जी हाँ दोस्तों, इतना लंबा एनाकोंडा कभी भी नहीं देखा गया था। और दोस्तों इस एनाकोंडा का वजन जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। इसका वजन करीबन 400 किलो का था, जो कि आमतौर पर किसी भी सांप का वजन बहुत कम होता है। इतना भारी एनाकोंडा होने की वजह से इन लोगों ने स्पेशली इसे उठाने के लिए एक बड़ी क्रेन भी मंगाई थी, लेकिन ये एनाकोंडा जिंदा नहीं बचा क्योंकि यहाँ के कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर ने अपनी जान बचाने के लिए इसे मार दिया। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है, आपको एक लाइक करने में सिर्फ एक सेकंड ही लगेगा, प्लीज दोस्तों लाइक जरूर कर देना। ब्लू व्हेल। दोस्तों अगर बात हो रही हो दुनिया के सबसे बड़े जानवरों की, तो उसमें ब्लू व्हेल का नाम हमेशा आता है और शायद हमेशा आएगा। ब्लू व्हेल के बारे में सभी लोग जानते हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी मछली है। व्हेल मछली का दिल का वजन यानी कि वेट ऑफ हार्ट 590 किलो का होता है और इस पूरे विशालकाय मछली का वजन करीबन 2 लाख किलो तक हो सकता है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हो आज तक की सबसे बड़ी व्हेल मछली की लंबाई कितनी थी? तो मैं आपको बता दूं, आज तक की खोजी गई सबसे बड़ी व्हेल मछली की लंबाई 111 फीट यानी कि ये व्हेल मछली करीबन 33 मीटर लंबी थी, मतलब कि इस मछली का साइज लगभग 3 बड़ी बसों के बराबर थी। वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि समुन्द्र में इससे बड़ी बड़ी व्हेल मछली भी पाई जाती है जिनकी लंबाई का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। द जायंट हॉर्स। सभी लोग जानते हैं घोड़े काफी शांत और अच्छे जानवर होते हैं जिनके साथ हॉर्स राइडिंग की जाती है और इनकी हॉर्स रेसिंग भी ऑर्गेनाइज होती है। वैसे तो दुनिया में काफी सारे घोड़ों की प्रजातियां मौजूद हैं। क्या आप जानते हो सबसे बड़े घोड़े की प्रजाति कौन सी है? इस प्रजाति का नाम है शायर हॉर्स और सबसे बड़ा घोड़ा होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इस शायर हॉर्स के नाम है। वैसे तो इसका वेट
900 केजी से 1100 केजी तक का होता है, लेकिन सबसे बड़े शायर हॉर्स को जब देखा गया था तो उसका वेट 1550 केजी का था और ये घोड़ा इंग्लैंड का था। दोस्तों, अगर आपको इस तरीके के और भी वीडियोस चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, ऐसे ही अमेजोन के जंगल में भी कई सारे खतरनाक जीव पाए जाते हैं जिनके बारे में जानकर अच्छे अच्छों की होश उड़ जाते हैं। कुदरत का करिश्मा, दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल, सबसे दुर्लभ जीवों का बसेरा। यहाँ जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। दुनिया का सबसे सुंदर और खतरनाक जगह ये है अमेजोन का जंगल। ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है जिसका विस्तार दुनिया के सारे वर्षा वनों से सबसे अधिक है। यहाँ दुनिया के एक तिहाई जानवर पाए जाते हैं। यहाँ ऐसे ऐसे तरीके के दुर्लभ जीव पाए जाते हैं जिसके बारे में हम सपने में भी नहीं सोच सकते। अमेजोन नदी से जुड़ा ये जंगल 5.5 करोड़ साल पहले से अस्तित्व में आया था। ये जंगल 5.5 मील स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है, यानी कहें तो ये हमारे भारत से काफी बड़ा है। इस जंगल में लगभग 390 मिलियन पेड़ हैं। इतना ही नहीं, यहाँ लगभग 10 मिलियन प्रजातियाँ पाई जाती हैं। पूरी पृथ्वी पर लगभग 20% ऑक्सीजन का उत्पादन अकेले अमेजोन के जंगल से ही होता है। यहाँ आदिवासियों की जनजातियाँ भी रहती हैं जो हमारे दुनिया से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखती हैं। एक अनुमान से यह पता चला है कि यहाँ 40 लाख से भी अधिक आदिवासी निवास करते हैं, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत आज तक हमें नहीं मिला है। हम लोग सिर्फ उन आदिवासियों से अभी तक मिले हैं जो सिर्फ अमेजोन के जंगल के बॉर्डर पर रहते हैं, जो हमसे आसानी से घुल मिलकर बात भी करते हैं। अमेजोन के जंगलों में इतने लंबे और घने पेड़ हैं कि यहाँ सूर्य के प्रकाश को जमीन पर पहुँचने में घंटों लग जाते हैं और कहीं कहीं तो दिन में ही अंधेरा होता है। दोस्तों, आप अगर गलती से यहाँ पर आ गए तो आपको वापस जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा और वापस जाने की बात ही भूल जाइए, क्योंकि इतने खतरनाक जानवर या ऐसे जीव आपको मिल जाएंगे कि आपको पलक झपकते ही आपकी जान निकाल देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी जान निकल रही है। यहाँ हजारों की संख्या में चींटी, मकड़ी और सांपों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अमेजोन के जंगलों में हजारों प्रकार के जड़ी बूटियाँ और अविश्वसनीय पेड़ हैं। यह जंगल हमारी दुनिया पर बहुखूबी असर दिखाता है। विज्ञान की माने तो अगर ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ही बढ़ता रहा तो ऐसा समय आएगा कि पृथ्वी का सारा वातावरण खत्म हो जाएगा, लेकिन उस स्थिति में अमेजोन के जंगल पर कोई खासा असर नहीं पड़ेगा। यह लगभग वैसे के वैसे ही रहेंगे। इस जंगल में एक नदी बहती है, उसका नाम अमेजोन रिवर है, जो नील नदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसकी चौड़ाई 146 किलोमीटर के आसपास है। इस नदी में इतने ज्यादा खतरनाक जीव पाए जाते हैं जिसकी कल्पना आप सपने में भी नहीं कर सकते। इस जंगल में ऐसे कई खतरनाक सांप रहते हैं जो इंसान को एक ही बार में निकल सकते हैं, लेकिन अमेजोन रेन फॉरेस्ट हमारे जीने के लिए बहुत जरूरी है। इस जंगल में रहने वाले जानवरों से अनेकों प्रकार की दवाइयाँ बनाई जाती हैं।